So, yeah, dear students, in today's class, I'm going to deliver a lecture on prose and its types. आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, किसको लेकर के बात करेंगे? प्रोज को और उसके टाइप्स को लेकर के बात करेंगे. ऑलरेडी आई शेयर यू पीडीएफ फाइल इन योर ग्रुप. दैट इज व्हाट जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना है, उस पर मैंने आपको फाइल पहले भी शेयर कर दी है. हम केवल इस पर बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं या किन किन पॉइंट को हमें डिस्कस करना है. तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल, आपको मैं पीडीएफ फाइल एक शेयर कर रहा हूँ एंड यू विल कम टू नो अबाउट प्रोज एंड इट्स टाइप्स. द नेम ऑफ द फाइल इज अंडरस्टैंडिंग प्रोज. जो फाइल का नाम है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग प्रोज. एंड होप आई थिंक इज इट विजिबल? या इट्स विजिबल. सो हियर 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 व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आई एम जस्ट गोइंग टू रीड एवरी वर्ड एंड आई विल आल्सो मार्क. आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट यू हैव टू टेक. यू विल कम टू नो कि क्या क्या चीजें हैं अंडरस्टैंडिंग प्रोज में. सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है? ऐसे ऐसे का डिफिनेशन क्या है? जब भी आप अंडरस्टैंडिंग प्रोज की बात करेंगे, यस्टरडे आई टोल्ड यू कि अंडरस्टैंडिंग प्रोज का मतलब इन कन्वर्सेटिव लैंग्वेज व्हाट एवर यू राइट या व्हाट एवर यू टॉक. सेकेंड थिंग कि इट स्टार्टेड विथ फ्रांस. मैंने आपको बताया था इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था. देयर वॉज अ मैन, देयर वॉज एन एसेइस्ट, दैट वॉज मॉन्टेन, MONTAIGN. ही स्टार्टेड टू राइट इट फॉर द फर्स्ट टाइम. इट वॉज मेड पॉपुलर या इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन फ्रांस. After France, it came in England and in the entire world. France के बाद जो पूरी दुनिया में ये चीज आती है. तो सबसे पहले कहां पर आया हुआ था? फ्रांस में आया हुआ था. लिखने वाली शख्सियत का क्या नाम था? लिखने वाली जो शख्सियत थी उसका नाम मॉन्टेन था, MONTAIGNE. एंड द पार्टिकुलर वर्ड जिसे हम ऐसे कहते हैं या हिंदी में निबंध कहते हैं, ये जो ऐसे वर्ड है ये कहां से आया हुआ? फ्रेंच वर्ड एसाई से आया हुआ. कहां से आया हुआ? फ्रेंच वर्ड एसाई, ASAI. And yesterday I explained कि SI means to make an attempt to write something, means make an attempt to write something, कुछ चीज लिखने का प्रयास करना. So when I tell you कि about what, when I tell you about essay, then remember that कि this essay means what? Essay का जो definition दिया गया है कि any short composition, कोई भी छोटी सी रचना. Composition means something that is composed, कोई भी छोटी सी रचना. Any short composition in prose, जो कि किसमें होता है? प्रोज में होगा. That undertakes to discuss a matter, जिसमें किसी इशू को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के बात की जाती है. That undertakes to discuss a matter. एक पॉइंट ये चीज ध्यान में रखना है, जो वर्ड ऐसे है यह वर्ड फ्रेंच वर्ड एसाई से आया है. एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मेक एन अटेम्प्ट टू राइट समथिंग, कुछ चीज लिखने का प्रयास करना. नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट, ये क्या होता है? इट्स अ शॉर्ट कंपोजिशन. ये क्या होता है? एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है. और इस शॉर्ट कंपोजिशन में व्हाट डू यू फाइंड? यू फाइंड एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, जिसमें किसी एक मैटर को, किसी एक बिंदु को लेके बात होगी. ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें कई सब्जेक्ट मैटर होगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी आई जस्ट डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन फ्रांसिस बेकन एंड हिज एसेज ऑफ स्टडीज. You will come to know कि जो ऑफ स्टडीज है उसमें केवल स्टडीज के बारे में बात की जाती है. फ्रांसिस बेकन टेल्स अबाउट मेरिट एंड डी मेरिट ऑफ स्टडीज. फ्रांसिस बेकन मेरिट और डी मेरिट जो ऑफ स्टडीज का है उसके बारे में लेकर के बात करते हैं. सो हियर यू विल कम टू नो कि एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर. तो यू फाइंड अ मैटर. वेयर डू यू फाइंड अ मैटर? यू फाइंड अ मैटर इन एन एसे. इट मीन्स दैट व्हेन आई टॉक अबाउट एसे, व्हेन आई टॉक अबाउट दैट द एसे केम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसाय, देन व्हाट डू यू फाइंड हियर? यू फाइंड हियर कि इसमें किसी एक मुद्दे को लेकर के बात की जाएगी. कई मुद्दे नहीं होंगे, किसी एक टॉपिक को लेकर के बात की जाएगी, किसी एक मुद्दे को लेकर के बात की जाएगी. दूसरा चीज होता है कि एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू. और जो लिखने वाला होता है उसमें उसका नजरिया पता चलता है, उसकी सोच क्या है उस मुद्दे पर, उसकी सोच क्या है उस मुद्दे पर, उसकी अपनी थॉट क्या है उस मुद्दे को, वह कैसे रखता है, उसका इजहार ख्याल क्या है, यह भी चीजें आपको देखने को मिलता है. तो व्हाट इज दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि इन एसे व्हाट डू यू फाइंड? पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यू कम टू नो कि एसे इज व्हाट? इट्स अ शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज एंड इन दिस इन एनी एसे यू फाइंड अ पार्टिकुलर
पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर किसी एक मुद्दे को लेकर के बात की जाएगी, और जब उस मुद्दे को लेकर के बात की जाएगी तो राइटर अपना नजरिया, राइटर अपना थॉट उससे रिलेटेड क्या करेगा, पेश करेगा। परसुएड अस, अपना नजरिया ही नहीं रखेगा बल्कि परसू करेगा, परसू माने समझाना, बल्कि हमें समझाएगा भी, क्या चीज समझाएगा, परसुएड अस टू एक्सेप्ट, और वह हमें समझाएगा कि हम इसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। कौन समझाएगा, राइटर। जैसे अगर आपको याद होगा कि आप स्टडीज में फ्रांसिस बेकन हमें समझाते हैं, क्या समझाते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्टडीज, पढ़ने से क्या लाभ है और क्या नुकसान है, या पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। व्हेन ही सेज स्टडीज आर फॉर डिलाइट, फॉर अर्नमेंट एंड फॉर एबिलिटी, देन वी कम टू नो अबाउट व्हाट, देन वी कम टू नो कि उनका अपना समझाने का एक तरीका, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वे हमें परसू करते हैं, क्या चीज परसू करते हैं, अस टू एक्सेप्ट अ थीसिस, थीसिस माने स्टेटमेंट, वे हमें एक स्टेटमेंट देते हैं ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट पर। तो ऑफ स्टडीज में किस पर जो थीसिस दिया गया, किस पर स्टेटमेंट दिया गया है, ऑफ स्टडीज पर दिया गया, स्टडीज को लेकर के दिया गया है। आर सिंपली इंटरटेन, या समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक का या उस टॉपिक पर चीजों को इंजॉय करते हैं। इंटरटेन मीन्स समथिंग इंजॉय, वी टेक इंटरेस्ट, वी शो आर इंटरेस्ट, की ऑथर इज टेलिंग, राइटर इज टेलिंग, एसे इज टेलिंग अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, एंड इज टेलिंग व्हाट द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्टडीज, या ही परसूज दैट वी हैव टू फॉलो दिस, वी हैव टू फॉलो दैट, वी हैव टू गो दिस वे दैट वे। सो यू विल कम टू नो व्हाट, यू विल कम टू नो कि जो ऐसे वर्ड है या कहां से आया है, फ्रेंच वर्ड एसआई से आया है, कहां से आया, फ्रेंच वर्ड एसआई से आया। लिखने वाले आदमी का क्या नाम रहा है, मॉन्टेन रहा है, और ये कहां के थे, फ्रांस के थे। उसका मतलब क्या होता है कि मेक एन अटेम्प्ट टू राइट समथिंग, लेकिन ऐसे क्या होता है, यह एक शॉर्ट कंपोजिशन है, ऐसे क्या, एक छोटी सी रचना है, इट्स अ शॉर्ट कंपोजिशन, या एक छोटी सी रचना है जिसमें, और किसमें लिखी जाती है, प्रोज में लिखी जाती है। प्रोज का मतलब क्या होता है कि कन्वर्सेटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज विच वी यूज इन डे टू डे लाइफ, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो रिदमिकल वे में नहीं होता, जो मेट्रिकल वे में नहीं होता, वही लैंग्वेज क्या होती है, प्रोजाइक लैंग्वेज या प्रोज में होती है। और हम उसमें क्या करते हैं, डिस्कस अ मैटर, एक किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के डिस्कस किया जाता है, जिसमें राइटर अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मतलब अपना ख्याल वो व्यक्त करता है, अपना नजरिया वो बताता है, अ पॉइंट ऑफ व्यू। परसुएड अस, साथ ही साथ हमें परसू करता है कि टू एक्सेप्ट, हम उस चीज को स्वीकार करें, अ थीसिस उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को, आर सब्जेक्ट, आर सिंपली इंटरटेन, समटाइम्स वो हमें क्या करता है, उस चीज को लेकर के इंटरटेन करता है। देर आर टू काइंड्स ऑफ एसेज, एसेज दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। सबसे पहला एसे है द फॉर्मल एसे आर आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन मेनी एग्जामिनेशन द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यू विल कम टू नो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द फॉर्मल एसे, फॉर्मल एसे का दूसरा क्या नाम है, फॉर्मल एसे का दूसरा नाम आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल। इफ यू परचेज एनी न्यूज पेपर, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, You will find what, या अमर उजाला, दैनिक जागरण, आग, या राष्ट्रीय सहारा का, if you purchase any Urdu newspaper, any Urdu अखबार, you will come to know that there is an article, उसमें एक article लिखा होता है, in editorial page पे एक article होता है, वह जो article होता है, वह जो editorial page पर लिखा होता है, वही आपका क्या है, formal essay का example, that's an example of what, that's an example of formal essay. So what I want to say, what I want to tell you, ki when you talk about formal essay, remember that ki formal essay ko article bhi kaha jata hai. Aur formal essay ki khasiyat kya hoti hai? It is relatively impersonal. Sabse badi khasiyat ye hai ki ye impersonal hota hai. Maine pehle bhi discuss kiya tha jab main Bacon ko padha raha tha. इम्पर्सनल का मतलब कि जो भी फॉर्मल एसेइस्ट होगा वह अपने बारे में नहीं लिखेगा, अपने फैमिली के बारे में नहीं लिखेगा, बल्कि वह सामाजिक मुद्दों को, जो बुनियादी प्रॉब्लम्स है, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उनको लेकर के वह बात करेगा। तो एक आपको ध्यान में रखना है कि इफ यू परचेज एनी न्यूज़पेपर, यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड एडिटोरियल पेज एंड द आर्टिकल विच यू फाइंड इन न्यूज़पेपर, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल एसे, एंड फॉर्मल एसे इज आल्सो नोन एज आर्टिकल। फॉर्मल एसे को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। और दूसरा चीज क्या होता है, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल का मतलब कि यह राइटर की जिंदगी में ताक झांक नहीं करता है, इट्स नॉट रिलेटेड अबाउट द लाइफ ऑफ द
essayist or the writer. But it's it in informal essay, you will come to know कि some social issues, कुछ जो है social issues को लिए जाते हैं. जैसे अगर आप गरीबी पे बात कर रहे हैं, अगर आप जो है illiteracy पे बात कर रहे हैं, अगर आप dowry पे बात कर रहे हैं, अगर आप किसी और मुद्दे को लेकर के, या इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स पर आप बात कर रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट इस्लाम एंड एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, इस तरह की मुद्दों को लेकर के अगर आप बात करते हैं और उसमें आप आपका लाइफ नहीं आ रहा बल्कि पूरे माशरे को, पूरे समाज की हकीकत से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं, देन दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, देन दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एसे. उसमें आप अपनी जिंदगी के बारे में नहीं बताते हैं बल्कि जो बुनियादी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी का, यू टेक दैट एंड यू डील दैट थिंग. सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो है इम्पर्सनल है, द ऑथर राइट्स एज एन अथॉरिटी, और पूरा ऑथर जो होता है इसका, जो इसका राइटर होता है, वो पूरे अधिकार के साथ लिखता है, आर एट लीस्ट अ स्लाइटली नॉलेजेबल, या वो दिखाने की कोशिश करता है कि उसको काफी ज्यादा ज्ञान है उस टॉपिक पर. दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा, राइटर इस तरह से लिखता है जैसे उसको वाइड नॉलेज है. क्या है? वाइड नॉलेज है, स्लाइटली नॉलेज है, नॉलेजेबल, एंड एक्सपाउंड्स द सब्जेक्ट इन एन ऑर्डरली वे, और वो पूरे सब्जेक्ट को बहुत ऑर्डर के साथ डिस्कस करेगा. अगर आप ये बात करते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन अमंग मुस्लिम, देन यू विल डिस्कस की व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम डू यू फाइंड अमंग मुस्लिम्स, की क्या एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम है मुस्लिम्स में, और क्या क्या चीजें हैं, या सोसाइटी में एजुकेशन का क्या प्रॉब्लम है, और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें रही है. सो यू विल कम टू नो की कोई भी टॉपिक अगर हम लेते हैं तो उस पार्टिकुलर टॉपिक में ये पार्टिकुलर चीज नजर आती है कि ये प्रॉब्लम्स क्या है, उसको हम कैसे डील करें. पूरी अथॉरिटी के साथ लिखता है, स्लाइटली नॉलेजेबल दिखाते हैं, उसको इस पर नॉलेज है, ज्ञान है, और वो उस सारी चीजों को एक फैक्ट और इंफॉर्मेशन के साथ वहां पे रखेगा. दूसरा जो टाइप ऑफ एसे है वो क्या है? इनफॉर्मल एसे. क्या है? इनफॉर्मल एसे. तो सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज एसे, फिर टाइप्स ऑफ एसे में फॉर्मल एसे, और दूसरा है नेक्स्ट है इनफॉर्मल एसे. इनफॉर्मल एसे का दूसरा नाम है फेमिलियर और पर्सनल एसे. क्या है? फेमिलियर और पर्सनल. इनफॉर्मल एसे का दूसरा नाम फेमिलियर या पर्सनल एसे है. द ऑथर अज्यूम्स अ टोन ऑफ इंटीमेसी. जो ऑथर है इसका जो फेमिलियर एसे का होगा वह हमेशा रीडर के साथ दोस्ताना बिहेवियर करेगा, फ्रेंडशिप दिखाएगा. इंटीमेसी का मतलब क्या होता है? क्लोजनेस. द वर्ड इंटीमेसी रिफर्स टू व्हाट? क्लोजनेस. एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजनेस? क्लोजनेस हियर रिफर्स टू कि ऑथर शोज हिज और हर इंटरेस्ट. ऑथर अपना इंटरेस्ट दिखाता है किसके साथ? रीडर के साथ. जब वह अपनी लाइफ की चीजों को रीडर से शेयर करेगा, साझा करेगा, तब वह चीज किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इनफॉर्मल एसे का. इसीलिए इनफॉर्मल एसे का दूसरा क्या नाम रखा गया? फेमिलियर या पर्सनल. अपने बारे में बात करना शुरू कर देता है फेमिलियर. जैसे आपको मैंने पढ़ाया था ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन का मींस आई जस्ट शेयर्ड माय वीडियो की दैट वाज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई शेयर्ड विद यू कि आप उसको जो है वहां पे देखिएगा. आई शेयर्ड लिंक आल्सो, इवन द होल वीडियो आई शेयर्ड एंड पीडीएफ फाइल आई शेयर्ड विद यू. So you will come to know कि उसमें the essayist tells about whom? The essayist tells about himself, his grandmother, his wife, his two children and his younger brother. उन सबको लेकर के वो क्या करता है? बात करता है. तो इसको किसका example दिया जाएगा? Personal, familiar, informal. ठीक है, जिसमें आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में रीडर से को बताते हैं, या अपने दोस्तों के बारे में आप बताते हैं. वहां कोई सामाजिक मुद्दा नहीं होता, वहां गरीबी को लेकर बात नहीं हुई है, अशिक्षा को लेकर के बात नहीं हुई, कोई सोशल इशू को लेकर के बात नहीं, सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के बात नहीं हुई, इनजस्टिस को लेकर बात नहीं, इनइक्वालिटी को लेकर के बात नहीं, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को लेकर के बात नहीं. बट व्हाट डू यू फाइंड देयर? यू फाइंड ओनली वन थिंग, ऑथर टेल्स अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली मेंबर्स. तो सच एन एसे इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सच एन एसे इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेमिलियर, पर्सनल और इनफॉर्मल एसे. सो द ऑथर अज्यूम्स अ टोन ऑफ इंटीमेसी. इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? इसमें इंटीमेसी होता है, क्लोजनेस होता है विद हिज ऑडियंस. ऑडियंस मतलब रीडर.
टेंस टू डील विद एवरीडे थिंग्स, वह अपने जीवन की हर चीज को उससे शेयर करता है, रादर देन विद पब्लिक अफेयर। इसमें पब्लिक से रिलेटेड बातें नहीं होती। पब्लिक अफेयर का मतलब क्या हो गया कि पूरे माशरे की चीजों को नहीं बातें करेंगे, बल्कि अपने बारे में, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर के वह बात करता है, पब्लिक अफेयर्स को लेकर के बात नहीं करेगा। आर स्पेशलाइज्ड टॉपिक, या किसी स्पेशल टॉपिक पर नहीं बात करेगा। द एसेइस्ट डज नॉट टॉक ऑन एनी स्पेशलाइज्ड टॉपिक, या किसी भी पब्लिक अफेयर को लेकर के बात नहीं करेगा, बल्कि वह क्या करता है, अपने बारे में बात करता है, डे टू डे लाइफ को लेकर के बात करता है, दोस्तों के बारे में बात करेगा, फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करेगा। तो इस तरह की जो चीजों को हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल ऐसे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ यू रीड अल्लामा इकबाल, अगर आप अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं, और अल्लामा इकबाल ने अगर कोई ऐसा चीज लिखा है जो वो अपनी लाइफ को लेकर के बताते हैं, अगर अल्लामा इकबाल, मैं शायरी की शक्ल में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका जो है प्रोज की शक्ल में बात कर रहा हूँ, अगर उसमें उन्होंने कहा है अपनी लाइफ को लेकर के वो बताते हैं, या जब आप अल्लामा इकबाल की लाइफ को लेकर के आप पढ़ते हैं, तो वह किसका एग्जाम्पल, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, या दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द इनफॉर्मल एसे, पर्सनल एसे, ऑफ फेमिलियर एसे। उसके बाद यू फाइंड कि पब्लिक अफेयर्स आर स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स एंड राइट्स इन अ रिलैक्स्ड सेल्फ रिविलेटरी, सेल्फ रिविलेटरी खुद से चीजों को खुलासा करता है, रिविलेटरी माने खुलासा करना, ओपन, टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, सेल्फ रिविलेटरी। तो ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, वह क्या करता है, वह अपने बारे में बताता है और वह उसका खुलासा करता है, सेल्फ रिविलेटरी करता है। एंड समटाइम्स विम्सिकल फैशन, एंड समटाइम्स विम्सिकल फैशन, और ऐसा लगता है कि कभी कभार वो इतना ज्यादा जो है अपने बारे में पैशनेट हो जाता है कि वो भूल जाता है कि वो राइटर है कि रीडर का दोस्त है। यू गेट दिस पॉइंट, समटाइम्स इतनी पर्सनल चीजें शेयर करेगा कि ही फॉरगेट्स कि वेदर ही इज एन एसेइस्ट, वेदर ही इज अ राइटर, या वेदर ही इज अ फ्रेंड ऑफ द रीडर। अगर कोई किताब है तो उस किताब को समझ में कब आएगा, जब हम उस चीज के तीन आस्पेक्ट को समझेंगे, एक तो किताब का लिखने वाला कोई है, एक तो किताब का पढ़ने वाला कोई है। तो लिखने वाले और पढ़ने वाले के दरमियान कौन है, वो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट इज वर्किंग एज अ ब्रिज, टेक्स्ट ही जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो लिखने वाला है, क्या उसने अपनी लाइफ के बारे में किताब में लिखा है, अगर अपनी लाइफ को लेकर के लिखा हुआ है तो वह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि वह फेमिलियर ऐसे, पर्सनल ऐसे, या इनफॉर्मल ऐसे हो जाएगा। एंड समटाइम्स वह उसको भूल जाता है कि कितना ज्यादा अपने बारे में वह लोगों को बता दे रहा है। तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फेमिलियर ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉन्टेन, ही वॉज अ फ्रेंच एसेइस्ट, मॉन्टेन जो थे वो फ्रेंच एसेइस्ट थे ऑफ द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी को, ही रोट एसाई, उन्होंने क्या लिखा हुआ था, एसआई नाम से लिखा, एसआई कब आया, 1582 में, एसआई उनके वर्क का नाम है, कलेक्शन ऑफ एसे, एसआई इज द कलेक्शन ऑफ एसे, उनके वर्क का नाम है, उन्होंने एसआई लिखा जो 1580 में आया, अ कलेक्शन ऑफ एसे, जो कलेक्शन ऑफ एसे है, द टाइटल सिग्निफाइड अटेम्प्ट, और टाइटल से क्या मतलब है, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट माने प्रयास करना, ये मैं कल भी डिस्कस कर चुका था। सो यू फाइंड हियर की इन दिस पेज यू व्हाट यू कम टू नो, मॉन्टेन एक राइटर का नाम है जो कहां के हैं, फ्रांस के हैं। मॉन्टेन किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू 16th सेंचुरी, उन्होंने कलेक्शन ऑफ एसे लिखा, और उस कलेक्शन ऑफ एसे को उन्होंने क्या नाम दिया, एस आई, ई डबल एस ए आई, ये कब आता है, 1580 में आता है, 1580 में आता है, और इसका मतलब क्या होता है, मेक एन अटेम्प्ट टू राइट समथिंग, कुछ चीज लिखने का प्रयास करना। और मॉन्टेन ने जो लिखने का प्रयास किया, अपनी जीवन के बारे में लिखा, ही शेयर्ड हिज ओन लाइफ अमंग whom, ही शेयर्ड हिज ओन लाइफ अमंग रीडर्स, उन्होंने रीडर के बीच में खुद अपने जीवन को लेकर के बात किया, अपने जीवन के बारे में उन्होंने बताया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद इंग्लिश में जो ऐसे होता है वो 16th सेंचुरी में आता है, कब आता है, और इंग्लैंड में ऐसे को लाने वाला आदमी कौन है, तो फ्रांसिस बेकन, कौन है, फ्रांसिस बेकन। दुनिया में ऐसे को लाने वाला आदमी का क्या नाम है, मॉन्टेन। मॉन्टेन कहां के हैं, फ्रांस के हैं। फ्रांसिस बेकन कहां के हैं, इंग्लैंड के। सो यू कम टू नो अबाउट मॉन्टेन, मॉन्टेन इज एसोसिएटेड विद फ्रांस, एंड सेकंड नेम इज हु, द सेकंड पॉपुलर नेम इज फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन बिलोंग्स टू इंग्लैंड। फ्रांसिस बेकन को क्या कहा गया, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, क्या कहा गया, फादर ऑफ, और अगर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ ऐसे, मॉन्टेन, फादर ऑफ एसे मॉन्टेन,
फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन। तो दुनिया में जो फादर ऑफ ऐसे है माउंटेन है, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन रोड 58 एसेज। फ्रांसिस बेकन ने कितना एसेज लिखा? 58 एसेज, विच पब्लिश इन 1597, 1612 एंड 1625। तो ये जो सेक्शन है इसमें किसके बारे में बताया गया? फ्रांसिस बेकन के बारे में। ऑलरेडी यू हैव गॉन विद ऑफ स्टडीज, ऑलरेडी यू विल कम टू नो कि इन नियर फ्यूचर व्हेन यू विल डू एमए, व्हेन वी यू विल डू इन बीए थर्ड ईयर, यू विल कम टू नो सम मोर एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन। ऑफ ट्रूथ है, ऑफ रिवेंज है, ऑफ मैरिज है, ऑफ फ्रेंडशिप है, of gardening, of princes, these are the, उनके essays में आपसे शुरुआत होता है। So you find कि उनका जो essay है, उनको father of English essay कहा गया। He wrote 58 essays, उन्होंने कितना essay लिखा? 58 essays, जो 1597, 1612, 1625 में publish होता है। He called his essays dispersed meditation, उन्होंने अपने आप को, अपने essay को क्या नाम दिया? Dispersed meditation. What do you mean by dispersed meditation? इसका मतलब होता है कि scattered views. ऐसा ख्याल या ऐसी चीजें जो बिखरी हुई थी, बिखरी हुई चीजें, और उन बिखरी हुई चीजों को उन्होंने सजाया संवारा और एक उसका ब्यूटीफुल शेप दिया। तो उन्होंने अपने जो है एसेज को क्या नाम दिया है? डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। तो ये जो जो है आपका ये समझना है कि उन्होंने बिखरी हुई चीजों को, जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं थी, जो ब्यूटीफुल शेप में नहीं थी, ही टू दीज थिंग्स एंड जस्ट गेव इट अ ब्यूटीफुल फॉर्म। उसके अलावा हिज स्टाइल वॉज एफोरिस्टिक, एपिग्रामेटिक एंड शार्प। उन्होंने जिस स्टाइल में लिखा वो क्या है? एफोरिस्टिक है। एफोरिस्टिक स्टाइल कौन सी होती है? कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, एफोरिस्टिक स्टाइल होती है। एपिग्रामेटिक कौन सा होता है? एपिग्राम वह स्टाइल कहा जाता है जिसमें छोटे सेंटेंसेस आप यूज करिए लेकिन उसकी मीनिंग बहुत ज्यादा निकले। शॉर्ट एंड पिथी स्टेटमेंट कन्फर्म हो रहा है लेकिन उसका अपना क्या हो? मीनिंग बहुत ज्यादा निकले। जैसे इफ आई यूज द वर्ड की रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, अगर आप बदला लेते हैं किसी से, बदले की आग में जल रहे हैं, तो यह एक तरह से इससे क्या होता है? यह वाइल्ड जस्टिस, ये जस्टिस नहीं है बल्कि वाइल्ड जस्टिस है। वाइल्ड जस्टिस का मतलब जैसे जंगल में न्याय का कोई वो नहीं है, कोर्ट कोई नहीं है, कोई जज नहीं, कोई न्यायाधीश नहीं है, द सेम थिंग वी फाइंड देयर। तो वहां पे उन्होंने क्या बताया? वहां पे उन्होंने बताया है कि उनका जो स्टाइल है एफोरिस्टिक है, एपिग्रामेटिक है और शार्प है, चीजें बहुत चुभने वाली है। हिज व्यूज आर प्रैक्टिकल, उनके एसेज में प्रैक्टिकल विजडम है एंड फॉर्मल। उन्होंने जो एसेज लिखा किसका एग्जांपल है? फॉर्मल एसे का। बेकन जो है सबसे बड़े एसेइस्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर के जिन्होंने किस तरह के एसेज लिखे हैं? फॉर्मल एसेज लिखे हैं। अभी मैंने आपको बताया था एसेज का टाइप्स फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल को आर्टिकल कहा जाता है और इनफॉर्मल को आपका क्या कहा जाता है? पर्सनल कहा जाता है। कंफर्म हो रहा? उसके बाद एक और एग्जांपल, ऑफ रिवेंज, ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रूथ आर रिमार्केबल एसेज ऑफ बेकन। ये बेकन के महत्वपूर्ण एसेज है। नेक्स्ट नाम है जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कौन सा नाम है? चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम को क्या कहा गया है? प्रिंस एमंग एसेइस्ट। जितने भी एसेइस्ट है उन सबके वो जो है क्या है? शहजादे हैं। तो उनको जो है शहजादे की संज्ञा दी गई है, मींस ही हैज बीन एड्रेस्ड एज शहजादा, एज प्रिंस अमंग एसेइस्ट, एसेइस्ट में। उसके बाद उनको क्या कहा गया? ये टाइटल उनको किसने दिया है? ह्यूज वॉकर ने दिया। एक आदमी जिसका नाम क्या है? ह्यूज वॉकर। ह्यूज वॉकर नाम के आदमी ने इनको क्या कहा है? प्रिंस अमंग एसेइस्ट कहा है। ही रोट पर्सनल एसेज, उन्होंने जो एसेज लिखे कौन से एसेज लिखे है? पर्सनल। पर्सनल का मतलब कौन सा एसेज हो गया? या फेमिलियर। पर्सनल मींस इनफॉर्मल या फेमिलियर एसेज। किसने लिखा? चार्ल्स लैम ने। अगर क्वेश्चन आता है कि पर्सनल लैम के सबसे बड़े एसेइस्ट कौन है जो आपके सिलेबस में है? चार्ल्स लैम। इम्पर्सनल एसेइस्ट के सबसे बड़े एग्जांपल कौन है? फ्रांसिस बेकन। इम्पर्सनल, ठीक है, या जिसे आप फॉर्मल कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि His essays are called prose poetic essays. उनके essays को क्या नाम दिया गया? Prose poetic essays. मतलब उनके essays में poetry की भी खासियत देखने को मिलती है। The basic characteristics of poetry we find in the essays of whom? The basic characteristics of poetry we find in the essays of Charles Lamb. Now the next point which you find कि उनका एक collection of essays है। किसका एक collection of essays है? You find there is a collection of essays of चार्ल्स लैम का, जिसका क्या नाम है? एसेज ऑफ इलिया। व्हाट डू यू फाइंड?
एसेज ऑफ इलिया। और चार्ल्स लैम ने जो भी एसेज लिखा उन्होंने इलिया के नाम से लिखा है। किसके नाम से लिखा है? इलिया। इलिया वॉज द पेन नेम और निक नेम। जो इलिया था ये चार्ल्स लैम का निक नेम था या पेन नेम था। क्या था? निक नेम और पेन नेम। सो यू फाइंड वर्ड यू विल कम टू नो कि चार्ल्स लैम ने जो एसेज लिखा है उसका नाम वो क्या है? वो एसेज ऑफ इलिया है और यह उनका कलेक्शन ऑफ एसेज था। इलिया उनका पेन नेम रहा है, लेकिन इलिया एक ऐसे आदमी का नाम था जो उनके साथ दफ्तर में काम करता था और वह क्या था? एक क्लार्क था। He was a clerk, CLERK. वह एक क्लार्क था और वो वहां पे काम करते थे। उनके नाम को ही इन्होंने अपना नाम बना लिया था। ड्रीम चिल्ड्रेन इज हिज रिमार्केबल ऐसे। ड्रीम चिल्ड्रेन उनका एक अच्छा ऐसे है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेवरी या रेवरी के फॉर्म है। रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डे ड्रीम का मतलब क्या होता है? अगर आप दिन में कोई ख्वाब देखते हैं और वह जो ख्वाब आपका है उसी ख्वाब जो भी आपको ख्वाब में नजर आया उसी चीज को अगर दिन में कोई आप ख्वाब देखते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? डे ड्रीम कहा जाएगा। दैट इज व्हाट दैट इज अ रेवरी फॉर शॉर्ट स्पॉन। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो ऐसे उन्होंने लिखा या ऐसे पहले एक ख्वाब के रूप में आया और एक ख्वाब उन्होंने कब देखा? दिन में ही देखा था। मैंने बताया इस ऐसे में उन्होंने किसके बारे में बात किया है? अपनी दादी फील्ड के बारे में, अपनी जो है वाइफ एलिस डब्ल्यू यन के बारे में। शी वॉज नॉट द वाइफ बट शी वॉज द बिलव्ड ऑफ दैट मैन। हर वो हिज ओन इमेजिनेटिव डॉटर सन हिज यंगर ब्रदर जॉन लैम। सो यू विल कम टू नो अबाउट व्हाट? यू विल कम टू नो कि ही टॉक्स अबाउट दीज पीपल। ही टॉक्स अबाउट दीज पीपल। And here I would like to tell you what? Here I would like to tell you ki whenever I tell about his essays, Montaigne, Francis Bacon, Charles Lamb, you will come to know ki a very well-known essayist rahe hain, jisme Charles Lamb rahe, and Charles Lamb ko then you find ki what? Then you come to know ki Charles Lamb has written what? Personal essay. His essay is an example of reverie, daydream, especially dream children. And in Dream Children, he tells about his family members, his own life, his beloved Alice W. and two imaginative daughter and son, though they were not the daughter and son, but he imagined. And you will also come to know what? You will also come to know. He shares some personal experiences at these things. Humor and pathos are the notable point of his essays. Unke essays ka jo sabse notable point hai, wo kya? Humor and pathos. Humor aur pathos ka matlab ye hota hai ki उनके ऐसे में कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको गुदगुदाएंगी। इन द सेंस गुदगुदाने का मतलब कि आपको हंसाएंगे भी और रुलाएंगे भी। एक ऐसा सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं कि दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। और वो दोनों चीजें कौन कौन सी है? ह्यूमर एंड पैथास। सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट? इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमर एंड पैथास, इट मीन्स व्हाट? इट मीन द ब्लेंडिंग, इट मीन द मिक्सचर ऑफ ह्यूमर एंड पैथास। यू कम टू नो कि ये चीज उनको जो क्या करती है कि उन्होंने वो आपको उसी ऐसे में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें वो जो है आपको ये बताएंगे कि नाउ इट्स द सिचुएशन और इसमें ये चीजें नजर आ रही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट इज व्हाट, कि एक दूसरे तरह का ऐसे होता है जिसका क्या नाम होता है? पीरियडिकल ऐसे। क्या नाम है? पीरियडिकल ऐसे। बहुत सिंपल, अभी तक आपने फॉर्मल ऐसे पढ़ा, इनफॉर्मल ऐसे पढ़ा, फिर उसके बाद मॉन्टेन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद फ्रांसिस बेकन के बारे में पढ़ा, फिर आपने चार्ल्स लैम के बारे में पढ़ा। अब एक दूसरे टाइप का ऐसे होता है जिसको क्या कहा जाता है? पीरियडिकल। और पीरियडिकल ऐसे का एग्जाम्पल कौन सा है सिलेबस में? हु इज दैट ऑथर? पीरियडिकल ऐसे का एग्जाम्पल कौन है? जोसेफ एडिशन, सर रॉजर एट चर्च, सर रॉजर एट चर्च। सो यू विल कम टू नो कि वो चीज रहा, वहां पर भी मैंने आपको बताया हुआ था। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू व्हेन यू गो विद व्हाट, व्हेन यू गो विद द पीरियडिकल एसे, यू विल कम टू नो कि बहुत सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि पीरियडिकल एसे इज अ टाइप ऑफ एसे विच केम इन द 18th सेंचुरी। किस सेंचुरी में आता है? 18th सेंचुरी में आता है। और जब 18th सेंचुरी में आता है तो ये क्या होता था? इट पब्लिश्ड ईदर वीकली और बाई मंथली और मंथली। ये पब्लिश हुआ था कब? पब्लिश हुआ था या तो हफ्ते में पब्लिश होता था, या तो जो है महीने में 15 दिन में पब्लिश होता था, या तो कहां पे पब्लिश होता था? मंथ में आता था। और किस में पब्लिश होता था? न्यूज़पेपर्स में, और साथ ही साथ आपको कहां पर? जर्नल्स में, मैगजीन्स में, जैसे आजकल तमाम मैगजीन्स है, इंडिया टूडे है, क्रॉनिकल है, दर्पण है, माया आता था, एंड सम न्यूज़पेपर्स यू विल कम टू नो।
What I want to say, what I want to tell you, when you go with these points, when you come with these points, when you go with these points, types of the essay, so periodical essay is a very interesting type of essay, and you will come to know it flourished. It came in the 18th century. It published either weekly, bi-monthly, or monthly, and it tells about what? It tells about the men, manners, culture of the English people, especially living in the 18th century, and you will come to know what? You will come to know their way of life, what do they think, how do they live, what do they behave, in what way, these things you will come to, these things you find. So periodical essay is what? Those essays which published in journals, kisme published hua tha? Journals mein, magazines mein, weekly or within 15 days. Ye kaise publish hota tha? Weekly ya 15 days mein. Uske baad keh rahe ki are called periodical essay. They emerged in the 18th century. Kis century mein aata hai? 18th century mein. Ek question banega ki periodical kab essay kis century mein aaya tha? 18th century mein. Kab kab publish hua hai? Weekly, bi-monthly ya monthly? Kisme publish hua hai? Journals mein, magazines mein. They are about the notion and activities of the middle class. Aur 18th shatabdi ka jo middle class tha. Middle class ka matlab ki we people. We all belong to what? Most probably either middle class or lower middle class. तो वह किसकी लाइफ को लेकर के बात करता है? मिडिल क्लास की लाइफ को लेकर के. सो हियर यू फाइंड अनदर पॉइंट कि इसमें जो बात की गई है किसको लेकर के बात की गई है? मिडिल क्लास को लेकर के बात की गई. सो हियर यू विल कम टू नो, हियर यू फाइंड कि देयर इज व्हाट, देयर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द मेन मींस कल्चर मैनर ऑफ द पीपल ऑफ मिडिल क्लास. जोसेफ एडिशन, रिचर्ड स्टील एंड डॉक्टर जॉनसन are remarkable periodical essays. अब आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि मैंने अभी एक नाम बताया था, जोसेफ एडिशन. जोसेफ एडिशन आपके सिलेबस में है. सर रॉजर एट चर्च इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियडिकल एसे. लेकिन उसके अलावा जो दूसरी शख्सियत रही है, जो दूसरी पर्सनालिटीज रही है, जो दूसरी इमिनेंट फिगर्स रहे हैं रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ एसे, हु वर दे? दे वर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड दे वर रिचर्ड स्टील. एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बड़ा नाम है जिसमें जिन्होंने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी लिखा है. इंग्लिश की पहली डिक्शनरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा एंड इट पब्लिश इन 1755. कब पब्लिश हुआ था? 1755 में. उसके बाद आपने देखा होगा कि एंड डॉक्टर जॉनसन आर रिमार्केबल पीरियोडिकल एसेइस्ट. फिर इसमें बताया जा रहा कि पीरियोडिकल एसेस किनके किनके जर्नल्स में आता था, कौन सी वे शख्सियत है जो जर्नल्स निकालते थे, मैगजीन्स निकालते थे. उसमें एक नाम है डिफोस, डैनियल डिफो, इट्स द नेम, डैनियल डिफो इट्स द नेम. एंड यू विल कम टू नो कि डिफोस रिव्यूज स्टील से टैकलर 1709 एंड स्पेक्टेटर 1711, डॉक्टर जॉनसन रैमलर 1758 आर द रिमार्केबल जर्नल्स. ये सब क्या है? रिमार्केबल जर्नल्स. इन्हीं जर्नल्स में पीरियोडिकल एसेज आया है. कौन कौन से नेम जर्नल्स के हैं? डैनियल डिफो का रिव्यू, स्टील्स का टैटलर एंड स्पेक्टेटर, डॉक्टर जॉनसन का रैम्बलर. सो यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दीज जर्नल्स, हु हैव रिटन दीज जर्नल्स, हु हैज हु जस्ट ब्रॉट द टैटलर, द स्पेक्टेटर, हु ब्रॉट द आइडलर, हु ब्रॉट द रैम्बलर, हु ब्रॉट द रिव्यू. यू मस्ट नो अबाउट दीज जर्नल्स. आपको इन सारे जर्नल्स के बारे में जानना चाहिए. फिर उसके बाद कुछ नोट करके लिखा गया है द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिकल एसे. करें कि जो पीरियोडिकल एसे का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो कौन है? द स्पेक्टेटर क्लब. एक स्पेक्टेटर क्लब है. इट्स यू विल कम टू नो व्हेन यू विल डू पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी इंग्लिश से करेंगे देन यू विल कम टू नो अबाउट दिस एसे, द स्पेक्टेटर क्लब. इवन इन बीए थर्ड ईयर यू विल कम टू नो अबाउट दिस एसे एंड यू विल कम टू नो कि वो जो एसे है उसमें मिडिल क्लास की छह कैरेक्टर्स को लेकर के बात की गई कि वो कैरेक्टर्स कैसे थे, उनका जिंदगी कैसी रही है, जीवन कैसे गुजार रहे हैं, वो जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं, वहां के लोगों की सोच क्या है, वहां के लोगों का आइडियोलॉजी क्या है, उन सब की लाइफ को लेकर के बात की जाती है. फॉर एग्जाम्पल के लिए वी ऑल आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं. अगर हमें 18वीं शताब्दी के लोगों को बारे में जानना होगा तो हम कैसे जान पाएंगे? उस समय देयर वाज नो टीवी, there was no radio, there was no YouTube channel, there was no teachment app, there was no 4G, there was no slogan kar lo duniya mutti mein. Us samay to kya raha hoga? Kitab jo likha gaya, jo text hoga, usi ke madhyam se, painting ke madhyam se aur tamam jo sources hain usi ke madhyam se we will come to know about what? We will come to know about the people of that century. Confirm ho raha hai?
बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, इफ यू कम टू नो अबाउट मुगल डायनेस्टी, इफ यू कम टू नो अबाउट दिल्ली सल्तनत, देन देर आर द लाल किला, आगरा का ताज, ये सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। देर आर सम हिस्टोरियंस हु हैव रिटन सम ब्यूटीफुल बुक्स ऑफ हिस्ट्री, यू रीड दैट देन यू विल कम टू नो कि देर वॉज मीन्स ग्रेट इम्परर अकबर, देर वॉज औरंगजेब, देर वॉज मीन्स ग्रेट किंग, एंड यू विल कम टू नो कि देर वर सम अदर किंग्स ऑल्सो, सो यू विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग। या इफ यू गो विद वॉट की इफ यू वॉन्ट टू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एनी सेंचुरी वी हैव टू गो विद दैट टेक्स्ट, तो उसके उसको लेकर के हमें जानना पड़ेगा। सो वट डू यू फाइंड आर द रिमार्केबल जर्नल, द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिकल एसे द स्पेक्टेटर क्लब रिटन बाई रिचर्ड स्टील, और इसमें सिक्स कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से, सर राजा डी कावरली, स्टूडेंट ऑफ लॉ, सर एंड्री फ्रीपोर्ट, कैप्टन सेंट्री, विलहानी कोम एंड क्लाजी मैन, दीज आर द कैरेक्टर्स। ये आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है लेकिन बता दिया गया कि पीरियोडिकल एसे में कैरेक्टर्स को लेकर के बात की जाती है, मेन एंड मैनर्स को लेकर के बात की जाती है। किस सेंचुरी में आया, 18 सेंचुरी में आया। इसके राइटर्स कौन है, सर रॉजर है, जोसेफ एडिशन, नॉट सर रॉजर, जोसेफ एडिशन, रिचर्ड स्टील, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डैनियल डीफो, जोनाथन स्विफ्ट, दीज आर द राइटर्स। अब प्रोज का एक और तरीका जिसका क्या नाम होता है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो माने सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफ माने पिक्चर। अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी का हिस्ट्री लिखता है तो उस टेक्स्ट को क्या कहा जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी इज अ टाइप ऑफ प्रोज written by a person about his own life. Autobiography किसको कहा जाएगा, autobiography उस text को कहा जाता है, उस किताब को कहा जाता है अगर कोई इंसान खुद से अपने जिंदगी का इतिहास लिखता है, उसको क्या कहा जाएगा, autobiography. Auto means self, bio means life, graph यानी picture. Pictures of life written by himself. Confirm हो रहा है? इसका जो है कई एग्जाम्पल्स है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के इतिहास को लेकर के, अपने जीवन का जिक्र उन्होंने किया, अपनी पैदाइश से लेकर के जब तक वो वहां पे जेल में थे, करीब 1922 तक का, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन, नॉन वायलेंट मूवमेंट से लेकर के उन्होंने उसका जिक्र किया है। एंड देयर इज अ ग्रेट पोएटिस ऑफ केरला, कमला दास, कमला दास है जिन्होंने माई स्टोरी नाम से लिखा था, उनका ऑटोबायोग्राफी रहा माई स्टोरी, ठीक है। तो इस तरह से ऑटोबायोग्राफी का यहाँ पे बताया गया कि ऑटोबायोग्राफी क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, किसी भी आदमी के जीवन का इतिहास जो वह खुद लिखता उसको क्या कहा जाता, ऑटोबायोग्राफी। जिसमें एक एग्जाम्पल क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, किसने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा। दूसरा कौन सा है, माई स्टोरी, किसका है, कमला दास का। नाउ द सेकेंड पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट, बायोग्राफी, बायोग्राफी इज व्हाट, बायोग्राफी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई, नॉट रिटन बाई हिमसेल्फ बट अदर्स। अगर किसी आदमी के जीवन का हिस्ट्री वह खुद नहीं लिखता बल्कि दूसरा कोई लिखता तो उसको क्या कहा जाएगा, बायोग्राफी। उसमें ऑटो नहीं लगा होगा बल्कि क्या होगा, केवल बायोग्राफी। बाय मींस लाइफ, ग्राफ माने पिक्चर। पिक्चर्स ऑफ लाइफ आर द हिस्ट्री ऑफ लाइफ नॉट रिटन बाय हिमसेल्फ बट अदर्स, बल्कि वह दूसरे के द्वारा लिखा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, बायोग्राफी। उसका एक एग्जांपल है लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जेम्स बॉसवेल। लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने इंग्लिश का पहला डिक्शनरी निकाला, उनकी जीवन पर जेम्स बॉसवेल नाम के आदमी ने उनके जीवन पर लिखा, और उसका क्या नाम है, लाइफ ऑफ डॉक्टर नाम है। जेम्स बॉसवेल ने लिखा हुआ है। उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट प्रोज का एक और तरीका है डायरी। कौन सा तरीका है, डायरी। वी ऑल राइट डायरी, मोस्ट प्रोबेबली एक फैशन है डायरी लिखने का। डायरी का मतलब ये नहीं कि आपने क्या किया कि किसी कंपनी का डायरी पा गए तो आप नोट्स बनाना शुरू कर दिए और कह दिए मैं डायरी लिख रहा हूँ। डायरी आपकी पर्सनल चीज होती है, वह पब्लिक के लिए नहीं होता है। आप अपने जीवन में पर डे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत ईमानदारी से, बहुत साफ गोई से अगर आप उस चीज को लिखते हैं और आपको ये एहसास होता है कि मैंने अच्छा किया, ये मैंने गलत किया, ये चीजें, मतलब उसके साथ किसी भी तरह का आप
पार्शियलिटी नहीं दिखाते, पूरी ईमानदारी के साथ, इफ यू राइट अबाउट योर ओन लाइफ, दैट इज व्हाट, दैट इज डायरी मीन्स डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ अ मैंस लाइफ, एक आदमी के जीवन का डे टू डे रिकॉर्ड, डे टू डे रिकॉर्ड, पर डे आप कुछ ना कुछ चार पांच लाइन अपने जीवन का, मेरे जीवन में ये घटित हुआ, मैं इनसे मिला, मैंने ये किया, इफ यू राइट। और डायरी क्या होता है, पब्लिकली नहीं होता, वो आपकी पर्सनल चीज होती है, आपके अपने लिए होता है। और डायरी एक अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाता है किसी भी आदमी के जीवन को जानने के लिए, क्योंकि वह ईमानदारी से उसमें स्वीकार करता है व्हाट इज ही, वह क्या है, इस चीज को वह ईमानदारी से स्वीकार करता है। तो डायरी इट्स अ टाइप ऑफ प्रोज वेयर वी कैन फाइंड डे टू डे रिकॉर्ड, इसमें हम क्या पाते हैं, डे टू डे रिकॉर्ड। वन हु राइट्स अ डायरी इज कॉल्ड डायरिस्ट, जो आदमी डायरी लिखता है उसको क्या नाम दिया जाता है, डायरिस्ट। दो बड़े डायरिस्ट रहे इंग्लिश लिटरेचर के, एग्जाम्पल कौन कौन सा है, सैमुअल पेपिस, इनका नाम क्या है, सैमुअल पेपिस है, और जॉन ईवलिन है। सो यू विल कम टू नो कि 17 सेंचुरी में दो डायरिस्ट आए हुए हैं, और उन दो जो दो डायरिस्ट रहे हैं, एक का नाम सैमुअल पेपिस है, PEPYS, एंड सेकेंड डायरिस्ट वॉज हू, सेकेंड डायरिस्ट वॉज यस जॉन ईवलिन, दीज वर द टू डायरिस्ट, उन्होंने डायरी लिखा जिसमें उन्होंने लंदन फायर का जिक्र किया, प्लेग का जिक्र किया। तो दीज आर द टू नेम, सैमुअल पेपिस एंड जॉन ईवलिन, दे हैव रिटन डायरिस्ट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मीमोयर, व्हाट इज मीमोयर, मीमोयर एक तरह का प्रोज होता है, और ये प्रोज क्या होता है कि आपका जो पास्ट में जो हुआ, और उस पास्ट में आपने जिन लोगों से मिला, जो आपकी यादें हैं, वो उन पार्टिकुलर यादों को अगर आप एक टेक्स्ट के रूप में सामने लाते हैं, तो उसको आप क्या कह सकते हैं, मीमायर। मीमायर का मतलब कि गॉन डेज, यू आर गोइंग टू राइट अबाउट गॉन डेज, बीते हुए, और बीती हुई जिंदगी का, पूरी जिंदगी नहीं बल्कि जिंदगी का कोई हिस्सा, उसको क्या कहा जाएगा, मीमायर। जैसे जो है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगर वो जो है 10 साल तक PM रहे हैं, और उस 10 साल के दरमियान का वो अपना जो उनका अपना पॉलिटिकल करियर था, इफ ही राइट समथिंग, इफ ही राइट्स, तो उर अपने जीवन के 10 साल के इतिहास को, पास्ट का जो बीत चुका है उसको लिखते हैं, दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ मीमायर। उसका डिफिनीशन क्या है, उसका डिफिनीशन है कि द वर्ड मीमायर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीमोरिया, जो मीमायर है वह कहां से आया हुआ है, लैटिन वर्ड मीमोरिया से आया हुआ है, विच मीन्स मेमरी, जिसका मतलब क्या होता है, मेमरी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेमरी, यादें, और उसी से रिलेटेड आपका क्या आया, 4 GB, 5 GB, 16 GB, 1 TB मेमरी, एंड दैट स्टोर। तो अल्लाह पाक ने आपको कितना सारा मेमरी दिया हुआ, कितनी सारी यादें, पूरी जिंदगी की आपकी चीजें जो है स्टोर्ड है, कन्फर्म हो रहा। सो इन द सेम वे यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड की मीमोयर का मतलब मेमरी, मेमरी मीन्स गॉन डेज, यू राइट अबाउट दोज डेज, यू राइट अबाउट गॉन डेज, यू राइट अबाउट योर पास्ट, नॉट द होल लाइफ बट सम स्पेसिफिक टाइम, सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ योर गॉन डेज। और जो मीमायर है कहां से आया, लैटिन वर्ड मीमोरिया से आया है, विच मीन्स मेमरी, जिसका क्या मतलब होता है, मेमरी, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी, या बायोग्राफी का एक स्पेशल काइंड होता है, एक दूसरा रूप होता है, जैसे आपका ऑटोबायोग्राफी होता है उसी की शक्ल में ये भी होता है। ऑटोबायोग्राफी में पूरे जीवन का इतिहास लिखा जाता है, लेकिन जो है मीमायर में पूरे जीवन का इतिहास ना लिख करके क्या चीज होता है, केवल एक पार्टिकुलर चीज को होता है। नाउ द लास्ट आई विल टेक ओनली 1 मिनट, ट्रेवलॉग, ट्रेवलॉग इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिटरेचर। ट्रेवलॉग का मतलब होता है अगर आप कहीं यात्रा पे गए हुए हैं, और यात्रा पे जाने के बाद जो आपकी वो यादें होती, जो आपने देखा, जो आपने मिला, जो आपने किया, उसको क्या कहा जाता है, ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत मतलब किसी पार्टिकुलर जगह पर आप गए, और उस दरमियान जो आपने देखा, जो आप मिले, जो आपने समझा, उस पार्टिकुलर चीज को जब आप लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिटरेचर, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ एन ऑथर, जो कुछ भी आप देखते हैं उसी को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, दैट ही गॉट ड्यूरिंग ट्रेवलिंग ऑफ अ प्लेस। और ये किससे रिलेटेड है, जब आप किसी जगह की यात्रा करते हैं, उस यात्रा के दरमियान जो एक्सपीरियंसेस आता है, जो लोग आते हैं, जब आप उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको आपका ट्रेवलॉग कहा जाता है। सो इन दिस वे आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड, और जिसका कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो 10 बजे मुझसे रूम नंबर 10 में आकर के, उसमें 17 में आके मिलेगा।